एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सनवीत निशु। मैं हूं निशु। सो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। एंड मैं भी फिलहाल अच्छी हूँ, क्योंकि कोरोना का कोई ठीक नहीं हर जगह या जा रहा है, तो इससे बहुत ज्यादा डर लगता रहता है अंदर से। बट हम लोग घर में ही रहते हैं। पापा बाहर जाते हैं क्योंकि उनको तो जाना ही पड़ेगा, काम है, काम तो छोड़ नहीं सकते। काम छोड़ देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। सो या अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। मम्मी थोड़ा बिजी थी, मतलब थोड़ा नहीं, उन्होंने आज बहुत ज्यादा बिजी है। पूरे घर को क्लीन कर रही है। अभी आप देख सकते हो कर्टेन वगैरह निकला हुआ है, तो मम्मी सबको वॉश करने के लिए मशीन में रखी हुई है। एंड पूरा भी साफ सफाई के लिए काम चल रहा है। तो मम्मी ने बोला कि मुझे दोपहर का खाना बना देने को, तो मैं जा रही हूँ बनाने। सिंपल से कुछ बनाऊंगी, ज्यादा तरह मैंने बोला नहीं बनाऊंगी, बस चावल दाल एंड भुजिया वगैरह कुछ बनाऊंगी। तो मैं अभी बहुत सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि रियो अभी सोई नहीं है, मासी के साथ अपने खेल रही है। तो मैं जल्दी से बनाकर उसके पास जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं चावल के लिए एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लोग मन पसा कर जो चावल बनता है वही ज़्यादा पसंद करते हैं। कुकर में कभी कभार ही चावल बनता है, जब जल्दीबाजी हो, इमरजेंसी हो, तभी कुकर में बनता, नहीं तो ऐसे मन पसा के ही चावल बनाया जाता है। तो मैं अभी चावल ले रही हूँ एंड मम्मी से पूछ रही हूँ कि कितना चावल लगेगा। तो मम्मी ने बोला कि एक डब्बा लगा दो। हम लोग यहाँ पे यह जो आप डब्बा देख रहे हो, इसी से चावल मतलब मापा जाता है। आधा केजी का डब्बा है, तो उसे मम्मी ने अच्छे से धो धा के रख लिया है। तो अभी मैं चावल को वॉश कर रही हूँ, दो तीन पानी से वॉश कर दूंगी अच्छे से, फिर इसको रख दूंगी। क्योंकि जब तक पानी खोल नहीं जाएगा भगोने का, तब तक तो उसमें चावल हम लोग डालेंगे नहीं। एंड जब तक पानी खोल रहा है, तो चावल भी धो लिया एंड दाल भी मैं चढ़ा दूंगी। तो मैं यहाँ पे मूंग का दाल बना रही हूँ, सिर्फ मूंग का, क्योंकि मेरे घर में मूंग का दाल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बस मूंग का ही बना रही हूँ। तो कुकर में मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद दाल भी धो के और मूंग के दाल को धो के अच्छे से डाल दिया है। फिर इसमें नमक, हल्दी एंड थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, ताकि जो दाल भी कभी कभी सीटी से बाहर आ जाता है ना, तो बाहर ना आए। एंड उसके बाद ढक लगा के और मीडियम फ्लेम पर इसको 3 सीटी लगवा दूंगी, इतना ही काफ़ी होता है मूंग के दाल के लिए। एंड उसके बाद जब तक दाल लगा, हमारा पानी भी खोल गया हुआ है जो अब चावल के लिए चढ़ाया था, तो मैं उसमें चावल भी लगा दूंगी। तो यहाँ पे हम दाल हो गया हुआ है। एंड बीच में मैं रियो के पास चली गई थी, थोड़ा सा उसके साथ खेल खेल करके आई हूँ। एंड दाल हो गया तो मैंने गैस बंद कर दिया एंड अब मैं भुजिया काट रही हूँ। तो मैंने आलू को पहले धो लिया है एंड फिर इसका पतला पतला सा भुजिया काट दूंगी। तो मैंने भुजिया काट रही है आलू का एंड तब तक मेरा चावल भी हो गया हुआ था, तो मैं उसका मार निकाल दे रही हूँ। एंड डायरेक्ट मैं बेसिन में ही मार नहीं निकाल रही थी, नीचे के बर्तन में रखा था। चावल भी रेडी हो गया है एंड दाल भी रेडी हो ही गया था, बस उसमें छौंक लगाना बाकी था। तो मैं छौंक थोड़ा देर में लगाऊंगी, उससे पहले भुजिया चढ़ा देती हूँ। तो फिर कढ़ाई को गर्म करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। एंड जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। बहुत जगह लोग लहसुन वाले भुजिया पसंद करते हैं, जैसे मेरे ससुराल में लहसुन वाला भुजिया बनता है, बट मेरे मायके में प्याज वाला बनता है। दोनों का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है एंड मुझे दोनों अच्छा लगता है। प्याज कट गया है एंड कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, तो मैं उसमें तेल डाल रही हूँ सरसों का ही। एंड उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालूंगी एंड उसके बाद सूखी लाल मिर्च डालूंगी। जब वह सूखी लाल मिर्च थोड़ा सा जल जाएगा, मतलब जल नहीं जाएगा, थोड़ा सा लाल और हो जाएगा, उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे, 2-3 मिनट तक भूनेंगे, फिर इसमें आलू का भुजिया डाल देंगे। तो मैंने भुजिया को काट के धो लिया है एंड उसके बाद जब तक प्याज लाल हो रहा है, तब तक थोड़ा सा जो प्याज का छिलका विलका था, उसको मैं प्लास्टिक में डाल दे रही हूँ, ताकि क्लीनिंग का काम भी कम्प्लीट रहे। तो यहाँ पे भुजिया भी मैंने डाल दिया है, प्याज जब ब्राउन हो गया था तो। एंड जब तक मतलब आलू थोड़ा सा भून रहा है, तब तक यहाँ पे दाल में छौंक भी मैं लगा दूंगी। थोड़ा सा मैं दाल रियो के लिए भी निकाल दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नखरा तो करती है खाने में, बट ज़बरदस्ती 1-2 चम्मच उनको खिला देते हैं। एंड 2-3 मिनट आलू भुजने के बाद इसमें हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे एंड ढक देंगे, तो यह भुजिया भी अपना होते रहेगा। अब मैं दाल में छौंक लगा दूंगी, तो मैं यहाँ पे बस जीरा से छौंक लगा दे रही हूँ, बट जीरा मिर्च दोनों से लगता है, बट मैं सिर्फ जीरा से लगा दे रही हूँ। तो तेल गर्म हो गया, तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया, जब वह तरक जाएगा तो दाल में डाल दूंगी। तो हो गया, दाल भी हमारा पूरा कम्प्लीटली रेडी है।
तो अब मुझे पापड़ थोड़ा सा छानना है, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा, मैं पापड़ में यहाँ पे छान दूंगी। एंड मुझे आम का चटनी भी बनाना था, जो कच्चा आम होता है ना उसका, बट मेरा भाई अभी तक आया नहीं है, वह गया था सब्जी मतलब सब्जी वगैरह लेने, बट अभी तक वो आया नहीं है, तो इसलिए चटनी अभी नहीं बनाऊंगी, बस चावल दाल भुजिया पापड़ से आज हम लोगों का काम चल जाएगा। तो पापड़ भी यहाँ पे छन गया जितना मुझे चाहिए था, तो किचन का काम कंप्लीट हो गया। तो मैं किचन से बाहर निकल रही थी तो मुझे याद आया कि अरे सूखा हॉर्लिक्स खाना है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो भाई कमेंट करके बताना कि आप में से किसको किसको मेरी तरह सूखा हॉर्लिक्स खाने का आदत है, क्योंकि मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैं किचन में जाती हूँ एक चम्मच मुँह में डाल ही लेती हूँ, तो खाना बन गया है, अब जा रहे हम लोग खाना खाने। अभी दोपहर का टाइम है, टाइम हो रहा है 3 एंड रियो सो गई हुई थी, बट अभी वो उठ गई हुई है। रियो सबको हाय बोलो, हाय टाटा, हाय। ये तो बिल्कुल हिल भी नहीं रही, पता नहीं क्यों स्टैचू बन के लेटी हुई है। ये क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? रियो दो चोटी कौन कर दिया है? रियो रियो दो ठो चोटी किसने गुथा है? मासी ने बना दिया है। सो गाइज देखिए, इसकी मासी ने इसका दो चोटी गुथ दिया है। रियो कितनी ज्यादा मैच्योर बड़ी लग रही है। कहाँ भाग रही हो दो चोटी वाली? बर्बाद कर दिया, सारा बर्बाद कर दिया इसके फिंगर में देखिए। अच्छा लो 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 ओपन कर दे। तो अभी हो गया शाम एंड मुझे लग गई है बहुत जोर की भूख। तो मैंने भेजा था आटा मैगी लाने के लिए, बट वह मिला नहीं, तो मैगी नॉर्मल जो आती है मैगी वह लेकर आ गया इन। अभी मैगी हम लोग को नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा भूख लग गई हुई है। एंड भूख लगने पर मेरे को मैगी समोसा में तो फास्ट फूड ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज और खा लेती हूँ, फिर 2-3 वीक तक मैगी नहीं खाऊंगी। तो चलिए हम लोग मैगी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं मैगी को उबाल लूंगी, तो उसके लिए मैंने पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है ताकि जो मैगी है हमारी खिली खिली रहे। एंड उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मैगी। तो मैं यहाँ 2 पैकेट मैगी बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने और अपने सिस्टर दोनों के लिए बना रही हूँ। जब यह उबल जाएगा तो गैस बंद कर दूंगी। जब तक हमारी मैगी बॉइल हो रही तब तक हम प्याज हरी मिर्च जो जो घर में सब काट लेते हैं। मैगी बॉयल हो चुकी थी तो मैंने उसको पानी से निकाल के ठंडे पानी से धो दिया ताकि वो ओवर कुक ना हो। एंड उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया, सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें डालूंगी जीरा। मैं यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मैगी बनाने वाली हूँ, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। तो जब जीरा हमारा करक जाएगा उसके बाद इसमें हरी मिर्च और प्याज एक ही साथ डाल देंगे। आप इसमें चाहो तो शिमला मिर्च गाजर मतलब दोनों ही ऐड कर सकते हो, तो बस बट मैं यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज ही डाल रही हूँ। उसके बाद इसको 1 मिनट तक ऐसे भून लूँगी। अब प्याज को हमने एकदम लाल नहीं करना है, बस हल्का से इसको भून लेना है। देखिए यहाँ पे प्याज लाल नहीं हुआ, बस ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इसमें डालेंगे मैगी मसाला, जो मैगी के अंदर रहता है वही 2 पैकेट डाल देंगे, क्योंकि 2 पैकेट मैगी बना रहे तो 2 पैकेट मसाला भी डालेंगे। और उसके बाद इसको भून लेंगे, ज़्यादा देर नहीं, बस 20-30 सेकेंड तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे जो बॉयल किया था ना मैगी उसको। इस तरीके से आप मैगी बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने ठंडे पानी से धो दिया था तो देखो कितना अच्छा खिला खिला मैगी लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, मतलब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच यूज किया है नहीं, ताकि मैगी टूटे नहीं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो सॉस, तो मैं 1.5 चम्मच जितना टमाटो सॉस डाल रही हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट
डाल देना। एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने ले लिया चिली सॉस, आप लोग थोड़ा सा कम डालना, बहुत ज़्यादा तीखा बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग इसको मिला देंगे एंड उसके बाद इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, जो गोल मिर्च होती है ना उसका पाउडर, एंड थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैगी में ऑलरेडी नमक होता है तो हम लोग एकदम थोड़ा सा ही डालेंगे। एंड उसके बाद फिर 2 चम्मच लेके अच्छे से मिला देंगे। तो यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी नो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाती है मैगी। सो गाइस, यह था मेरे आज का वीडियो, होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और अपने सिस्टर दोनों के लिए सर्व कर लेती हूँ, फिर हम लोग टेस्टी टेस्टी मैगी इन्जॉय करते हैं। आप लोग भी ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।